हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वर्षों की कला परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला का यह 30वां भाग और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि अक्सर रिपीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ये श्रृंखला पसंद आती है, तो लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए देखते हैं इस श्रृंखला के प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में पांच प्रकार के पुरुषों का स्रोत है, यानी कि पांच प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया गया है और ये चित्रसूत्र का एक पार्ट है और ये हिस्सा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में पांच प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर दो है, ध्वनि को काव्य रचना के रूप में किसने परिभाषित किया है। ध्वनि को काव्य रचना के रूप में परिभाषित किया है आनंद वर्धन जी ने। आंसर है ऑप्शन ए, आनंद वर्धन, और उन्होंने ध्वन्यालोक नामक पुस्तक भी लिखी है ध्वनि सिद्धांत पर। प्रश्न है नंबर तीन, मोहन जोदड़ो की डांसिंग गर्ल की प्रतिमा किस संग्रहालय में प्रदर्शित है। मोहन जोदड़ो से प्राप्त डांसिंग गर्ल की जो प्रतिमा है वह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, जो कि कांसे में बनी हुई है। अक्सर माध्यम पूछा जाता है तो ब्रॉन्ज यानी कि कांसे में बनी हुई है डांसिंग गर्ल की प्रतिमा, जो कि मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुई थी और यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। प्रश्न है नंबर चार, दोस्तों ये वीडियो थोड़ा फास्ट रहेगा क्योंकि ये ऐसे प्रश्नों का वीडियो है जो पूछे जा चुके हैं और आपका ये एक रिवीजन तरह से आप इसको ले सकते हैं। प्रश्न चार है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की पूरी तरह से विकसित कलिंगा शैली का प्रतिनिधित्व करता है। पूरी तरह से जो विकसित रही कलिंगा शैली उसका प्रतिनिधित्व करता है लिंगराज मंदिर, जो कि उड़ीसा में है और यह है कलिंगा शैली का मंदिर वास्तुकला का। प्रश्न नंबर पाँच है, उत्तर हड़प्पा काल के उस स्थल को चिन्हित कीजिए जिसमें मोहरों पर ना तो कोई धार्मिक वस्तु दिखाई देती है ना ही पशुपति आकृतियां या मातृ देवी से संबंधित, यानी कि ऐसी मोहरें प्राप्त हुई हैं इस जगह पे जहाँ पर किस तरह की धार्मिक चीज़ें ना तो अंकित हैं उस पर, ना कोई पशुपति आकृति है ना मातृ देवी की आकृति है, तो वह स्थल कौन सा है। तो ये स्थल है गुजरात में लोथल, यहाँ से जो मिली हैं मोहरें उस पर इस तरह की कोई भी आकृति नहीं बनी हुई है। प्रश्न नंबर छः है, ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर के प्रकार की पहचान कीजिए। ताजमहल का जो निर्माण हुआ वो भी पूछा था कितने वर्ष लगे, तो 20 वर्ष लगे थे और 20,000 जो कारीगर थे उन्होंने बनाया था और इसमें जो मार्बल लाया गया यानी कि संगमरमर वो लाया गया था मकराना से। आंसर है इसका ऑप्शन सी, मकराना का मार्बल यूज हुआ है ताजमहल के निर्माण में। प्रश्न नंबर सात है, खफरे और रोहतेपे की बैठी हुई मूर्तियां संबंधित हैं। खफरे और रोहतेपे की बैठी हुई मूर्तियां संबंधित हैं मिश्र की कला से। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मिश्र की कला से संबंध रहा है खफरे और रोहतेपे की बैठी हुई मूर्तियों का। प्रश्न नंबर आठ है, हुआ ना यिन और शांगसी प्रांत चीन की लकड़ी नक्काशीदार मूर्ति बनी जो थी वो किस राजवंश से संबंधित थी, यानी कि चीन में जो लकड़ी में नक्काशीदार मूर्तियाँ बनी हैं वो बनी थी, तो उसका जो प्रांत के नाम दिए गए हैं वो प्रांत है हुआ ना यिन और शांगसी, इनका संबंध है लियाओ से। आंसर है ऑप्शन ए, लियाओ राजवंश से इसका संबंध है। और दोस्तों ये जो लियाओ प्रांत है इसका जो इस समय जो काम हुआ उसका जो टाइम पीरियड है वो है 900 साल से
1125 एडी। लियाओ प्रांत का जो टाइम पीरियड है वो है 907 से 1125 एडी के मध्य का। अगला प्रश्न है नंबर 9। बिहार के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का प्रचलन है? बिहार का जो मिथिला क्षेत्र है वो जाना जाता है अपनी मधुबनी चित्रकला के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मधुबनी चित्रकला। और अक्सर इसके कलाकार भी पूछ लिए जाते हैं, गोदावरी देवी, और अभी लेटेस्ट जो मिला था दुलारी देवी को मिला था पद्मश्री मधुबनी चित्रकला के लिए। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में बांधनी और टाई एंड डाई की संस्कृति लोकप्रिय है? बांधनी और टाई एंड डाई की जो संस्कृति है यानी कि इस तरह का काम होता है वो होता है राजस्थान और गुजरात में ज़्यादा। आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान और गुजरात। प्रश्न है नंबर 11। द डांस ऑफ शिव के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है द डांस ऑफ शिव, जिसे लिखा है आनंद कुमार स्वामी जी ने। आंसर है ऑप्शन डी, आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है द डांस ऑफ शिव। प्रश्न नंबर 12 है, पहाड़ी चित्रकला के केंद्र की पहचान कीजिए। पहाड़ी चित्रकला का केंद्र है दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए बसोली, बसोली या से बसोहली भी कहा जाता है, और बीजापुर साउथ हो गया भारत के दक्षिण भारत का। नैनीताल कोई सांस्कृतिक केंद्र इस तरह से नहीं था पहाड़ी चित्रकला का, और जौनपुर का संबंध भी पहाड़ी चित्रकला के केंद्र से नहीं है। आंसर है यहाँ पर बसोली। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से मुगल सचित्र पांडुलिपि यानी कि इलस्ट्रेटेड मैनुस्क्रिप्ट कौन सी है? मुगल सचित्र पांडुलिपि ये है हमजानामा, जो कि अकबर के समय चित्रित की गई थी। आंसर है ऑप्शन सी, हमजानामा। सचित्र पांडुलिपि है मुगल काल की। प्रश्न नंबर 14 है, पुनर्जागरण काल में सिस्टाइन चैपल की छत को किसके द्वारा चित्रित किया गया? पुनर्जागरण काल में सिस्टाइन चैपल की छत को चित्रित करने वाले कलाकार थे माइकल एंजेलो। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, माइकल एंजेलो ने सिस्टाइन चैपल की छत पर चित्रण किया है। प्रश्न 15 है, अजंता के भित्ति चित्रों में किस खनिज का प्रयोग हुआ है? अजंता के भित्ति चित्रों में प्रयोग किया गया है लाजवर्त यानी कि लेपिस लाजुली, ये खनिज रंग था। आंसर है इसका ऑप्शन बी। दोस्तों आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि भारतीय समकालीन कलाकारों पर प्रश्नोत्तर की सीरीज मैंने बनाई है, वो आप जरूर देखें, और साथ में उनके परिचय के भी वीडियो हैं, और काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपकी कला परीक्षा में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और इन पर क्वेश्चन आंसर का मैंने पीडीएफ तैयार की है, और साथ ही जो कला और संस्कृति के करंट अफेयर्स हैं उससे संबंधित भी उसमें काफ़ी सारी जानकारी है। तो अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप 99 रुपीज़ पे करके उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है? प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर्स हैं इसमें लाल, पीला और नीला। ये तीन ऐसे रंग हैं जिनको किसी और रंग के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। लाल, पीला, नीला है प्राइमरी कलर्स यानी कि प्राथमिक रंग। प्रश्न है नंबर 17, देवी प्रसाद राय चौधरी का संबंध किस संस्थान से है? देवी प्रसाद राय चौधरी जी का संबंध रहा मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट से। आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों इन पर देवी प्रसाद राय चौधरी जी पर मैंने कला परिचय का और प्रश्नोत्तर का दो वीडियो बनाए हैं, अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो वो दोनों वीडियो आप जरूर देखिए। और ये पहले भारतीय प्राचार्य थे मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी मैगजीन दृश्य कला से संबंधित है? दृश्य कला से संबंधित दिए गए ऑप्शन में से है मार्ग मैगजीन। आंसर है ऑप्शन ए, जिसका संपादन किया था मुल्क राज आनंद जी ने। ये एक कला पत्रिका है।
प्रश्न नंबर 19 है, व्हेन वॉज मॉडर्निज्म नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो इस पुस्तक को लिखा है गीता कपूर जी ने। आंसर है ऑप्शन ए, गीता कपूर की पुस्तक है और उनकी एक और काफी किताबें उन्होंने लिखी है, और वर्ष जो लेटेस्ट रही है वो वर्ष 2000 की इनकी ये किताब है। का टाइटल है एसे ऑन कंटेम्पररी आर्ट कल्चर प्रैक्टिस इन इंडिया। ये वर्ष 2000 में लिखी है गीता कपूर जी ने, और जिनके पति थे विवान सुंदरम जी, जिनका भी हाल ही में देहांत हो गया है। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में प्रथम विज्ञापन एजेंसी कब और कहाँ प्रारंभ हुई? भारत में प्रथम विज्ञापन एजेंसी शुरू हुई थी मुंबई में वर्ष 1907 में। आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई 1907 में शुरू हुई थी भारत में प्रथम विज्ञापन एजेंसी। प्रश्न नंबर 21 है, ऑफसेट मशीन के प्रकारों में निम्नलिखित एक कौन सा प्रकार होता है? ऑफसेट मशीन के प्रकारों में इसमें से दिया गया जो प्रकार है वो है सुजाता। आंसर है ऑप्शन ए, सुजाता ऑफसेट मशीन का एक प्रकार है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न 22 है, पोस्टर होर्डिंग बैनर स्टिकर ये विज्ञापन के किस माध्यम में प्रयुक्त होते हैं? पोस्टर होर्डिंग बैनर स्टिकर्स ये सारी जो चीज़ें हैं वो मुद्रण से संबंध रखती हैं। ये विज्ञापन के मुद्रण का प्रकार है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, मुद्रण। प्रश्न नंबर 23 है, जिंगल विज्ञापन के किस माध्यम में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? जिंगल यानी कि जिनको सिर्फ सुना जा सकता है, और ये सर्वाधिक प्रयुक्त होता है रेडियो में। आंसर है ऑप्शन डी, रेडियो में यूज होता है जिंगल। प्रश्न 24 है, आधुनिक विज्ञापनों की लोकप्रियता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, अभी जो पॉपुलरिटी का अभी जो एड बन रहे हैं उसका हिस्सा है ब्रांड एम्बेसडर या मॉडल। आंसर है ऑप्शन ए, जो बड़े बड़े एड बनाए जाते हैं उसमें मॉडल यानी कि ब्रांड एम्बेसडर जो उसके होते हैं या मॉडल होते हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि उनके नाम पर ये विज्ञापन चलते हैं, तो इसका काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न है नंबर 25, भारत में विज्ञापन एजेंसियों की सर्वोच्च संस्था का क्या नाम है? भारत में विज्ञापन एजेंसियों की जो सर्वोच्च संस्था है जिसे AAAI यानी कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAAI है भारतीय विज्ञापन एजेंसियों की सर्वोच्च संस्था का नाम। प्रश्न है नंबर 26, इंटरनेट पर प्रसारित विज्ञापनों को क्या कहते हैं? इंटरनेट पर जो विज्ञापन प्रसारित होते हैं उन्हें कहा जाता है वेवरटाइजिंग। आंसर है इसका ऑप्शन ए, वेवरटाइजिंग कहा जाता है इंटरनेट पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों को। प्रश्न है नंबर 27, भारत में सर्वप्रथम किस विज्ञापन एजेंसी की स्थापना हुई? भारत में सबसे पहले जो विज्ञापन एजेंसी शुरू हुई थी वो उसका नाम था बी, दत्ताराम एंड कंपनी। आंसर है ऑप्शन सी, बी दत्ताराम एंड कंपनी जो है वो भारत की सबसे पहली विज्ञापन एजेंसी थी। प्रश्न है 28, विश्व की सबसे बड़ी विज्ञापन दाता कंपनी कौन सी है? सबसे बड़ी विज्ञापन दाता कंपनी उसमें जो ऑप्शन है प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो कि यूएसए की है, यूनिलीवर जो कि यूके की है, और नेस्ले ऐसे जो कि है स्विट्जरलैंड की। तो ये तीनों ही कंपनियां सबसे बड़ी विज्ञापन दाता कंपनी है, तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, ये सभी जो कंपनियां हैं सबसे बड़ी है विश्व की विज्ञापन दाता कंपनी। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन बड़ौदा स्कूल के एक प्रतिष्ठित प्रिंट मेकर और फोटोग्राफर है? बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित जो कलाकार हैं जिनका क्षेत्र है प्रिंट मेकिंग और फोटोग्राफी, ये हैं ज्योति भट्ट जी।
आंसर है ऑप्शन सी, ज्योति भट्ट जी, जिन्हें अभी हाल ही में 2-3 वर्ष पहले ही पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ये उनका संबंध है बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट से। प्रश्न नंबर 30 है, विरेचन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? विरेचन सिद्धांत दिया गया था अरस्तु के द्वारा। आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु। विरेचन सिद्धांत का संबंध है अरस्तु से। तो दोस्तों ये थे 30 प्रश्न इस वीडियो के। अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा अगर पसंद आते हैं तो, और कुछ कमी लगती है तो वो भी आप बताइएगा। और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। गुड लक, जय हिंद।